हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना जो फिफ्थ चैप्टर है जो कि प्रश्न रसायन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर लास्ट हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर उत्प्रेरण जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी किया। उत्प्रेरण के तीन प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, और लास्ट हम लोगों ने एंजाइम उत्प्रेरण पे कम्प्लीट किया था कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एक और प्रकार का होता है जो कि क्या होता है, जियोलाइट उत्प्रेरण। ठीक है, तो जियोलाइट उत्प्रेरण या जियोलाइट उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये धातु जो होते हैं किसी भी धातु के एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, यानी इनमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट क्या होते हैं, पाए जाते हैं कोई भी धातु के। ठीक है, इनको जियोलाइट उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि ये आकार विशिष्ट होते हैं। ये क्रियाकारकों की आकार को देख के क्या करते हैं, उनके साथ में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो, डिटेल से पढ़ेंगे तो सर फर्स्ट हमारा हेडिंग क्या हो जाएगी, जियोलाइट, या इनको क्या बोलते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। कई बार जियोलाइट नाम कुछ के क्या पूछा जाता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते किसको है, जियोलाइट्स को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आकार को लेके क्या होते हैं, चयनित होते हैं, आकार को लेके स्पेसिफिक होते हैं कि साइज अगर इतनी होगी तो वो एड कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। अब पहली चीज की हमने बोला क्या कि जो जियोलाइट होते हैं वो धातु के क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। सो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Mn SiO2 का Y पावर में Z इंटू XH2O, या यहाँ पे आप लोग MH2O भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो M जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, धातु को। ये M क्या करता है, धातु को, क्योंकि हमने क्या बोला, धातु के क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, तो धातु के होते हैं, यानी कि M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धातु को। और अगर यहाँ पे N की बात करें तो ये इसकी क्या दिखा रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था। ये इसकी क्या दिखा रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ये हो गया। अब मोस्टली जो आपके जियोलाइट होते हैं वो बनते हैं आपके जैसे सोडियम के बन जाते हैं, पोटेशियम आयन के, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के और कैल्शियम आयन के। इनके जो मोस्टली क्या होते हैं आपके जियोलाइट क्या होते हैं, फोम होते हैं। इन धातु के जियोलाइट आपके क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो कि अब इनमें रिएक्शंस कैसे होती है, ये क्रिया कैसे करते हैं। तो क्या होता है, आप जैसे जियोलाइट को, ये जो जियोलाइट होते हैं इन उत्प्रेरकों को आप जैसे ही गर्म करते हैं निर्वात के अंदर, तो जैसे ही आप इनको हीट करते हो तो इनसे क्या होता है, H2O के जो अणु हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, डीहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है। जब H2O के अणु यहाँ से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, H2O की जगह खाली हो गई तो क्या बन गए, छेद बन गए, है ना। H2O की अणु जैसे इनके बाहर निकल जाते हैं तो वहां पे छेद बन गए। तो इनमें क्या होता है, उन छेद में क्या होगा, भाई कोई दूसरा एल्यूमिनियम का अणु आके से सेट हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, छेद बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, और इसकी संरचना आपको कैसी दिखाई देने लग जाती है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे बार बार से ऐसे पोर्स से दिखाई देते हैं, जिनके अंदर मधुमक्खियों का क्या होता है, आना जाना होता है। ठीक है, तो इनकी जो संरचना होती है वो भी कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी ही होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे ही इनको गर्म किया जाता है तो वैसे इनके जो H2O के अणु होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस ही होती है ना, H2O को बाहर निकलने की प्रक्रिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। ठीक है, अब जैसे H2O के अणु बाहर निकल गए तो इनकी संरचना में क्या हो गया, छेद मतलब पोर्स बन गए। अब देखिए कि यहाँ पे अगर इन पोर्स के अंदर, अगर इन पोर्स के अंदर बाहर से कोई H2O का अणु आ जाता है तो इनको बोल देते हैं जलयोजित जियोलाइट। जलयोजित जियोलाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल जुड़ गया। अब देखो, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो गए, पोर्स बन गए, तो इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के पोर बनेंगे, इतनी साइज के बन रहे, इतनी साइज के बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस उत्प्रेरक के पे ये जो पोर्स बने हैं, अब
कोई विशिष्ट जो इसकी इतनी आकृति का सबस्ट्रेट होगा वही आके यहाँ पे क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ पे जियोलाइट में सिर्फ वे ही क्रियाकारक जुड़ सकते हैं जिनकी आकृति जियोलाइट में उपस्थित छिद्रों की क्या होगी, समान होगी। तो फिर वो छिद्रों के समान होगी वही क्या होंगे, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये वाली धातुएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स आप लोग याद कर लेना एक दो। तो आपके जो जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल ऐसे सोडियम का जो जियोलाइट होता है, सोडियम का ये वाला जो जियोलाइट है, सोडियम का जियोलाइट, ये आपका कठोर जो जल होता है आपका, उसको किस में चेंज कर देता है, मृदु जल में। कठोर जल में क्या होते हैं आपके, आयंस होते हैं, है ना, आयंस प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं कठोर जल में। तो ये जो सोडियम क्या काम करता है, इस कठोर जल को किसके अंदर चेंज कर देता है, मृदु जल के अंदर चेंज कर देता है। ऐसे अगर हम बात करें तो एल्कोहल जो होता है आपका, एल्कोहल को पेट्रोल में बदलता है, या गैसोलीन भी बोलते हैं इसको। इसका काम ZSM5, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया एक बार कि ZSM5 पूछा था कि एल्कोहल को गैसोलीन में, पेट्रोल भी नाम नहीं दिया, एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो आप क्या लिखते हैं, एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जियोलाइट उत्प्रेरक, कौन से जियोलाइट उत्प्रेरक, ZSM5। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होंगे, जियोलाइट। इनका बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो जो हमने एक तो अधिशोषण पार्ट कंप्लीट कर लिया, अधिशोषण कितने प्रकार के, क्या प्रोसेस, प्राइमरी अधिशोषण, समदापी, ग्राफ, सब हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप उठाया था अपना उत्प्रेरण, उत्प्रेरण भी कंप्लीट हो गया, उत्प्रेरक के प्रकार कंप्लीट हो गए थे, चार प्रकार के होते है ना, उत्प्रेरण प्रक्रिया, समांगी, विषमांगी, एंजाइम उत्प्रेरण और जियोलाइट उत्प्रेरण कंप्लीट हो गए। दो पोर्शन इस चैप्टर के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो पोर्शन हमारा आता है वो आता है हमारा कोलाइड। ठीक है, कोलाइड क्या होते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में। ठीक है, जो कोलाइड जो शब्द होता है आपका, वो कोला से मिलके बना है, कोला से बना है, कोला का मतलब होता है गोंद जैसे पदार्थ। कोला का मतलब क्या होता है, गोंद जैसे पदार्थ। तो सबसे पहले 1861 के अंदर जो ग्राम साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो होती है, जांतव झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, उससे क्या होते है, अगर उनके जलीय विलयन को हमने जैसे इस मेम्ब्रेन से पास कराया तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो इनसे पास कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो यहीं रह जाते पास नहीं करते। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे जो आपका विलयन के जो पदार्थ है उनको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में उन्होंने बांटा, एक तो क्लाइड भाग मतलब कर दिया और दूसरा क्या कर दिया, क्रिस्टलॉइड। तो दो भागों में उन्होंने कैसे बांटा, एक तो क्या बांटा, कोलाइड और एक क्या बांटा, क्रिस्टलॉइड। तो देखो जो आपके कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइड में उन्होंने ये कहा कि जो भी पदार्थ इस जांतव झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, अगर इस जांतव झिल्ली से जाके इस दूसरे सिरे पे नहीं जा पाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कोलाइड। जो पदार्थ जांतव झिल्ली को पार कर नहीं पाते यानी विसरित नहीं होते उनमें से, वो क्या कहलाएंगे, आपके कोलाइड। तो इन्होंने उसमें बता दिया जैसे गोंद हो गया आपका, रेजिन हो गया आपका, और आपका जैसे स्टार्च हो गया, ये क्या होते हैं, इनके जो विलयन होते हैं ये इनके विलयन इसके अंदर क्या नहीं करते,
इनके जो जलीय विलयन जैसे हम बनाते हैं तो वो जांतव झिल्ली को पार नहीं करते, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्रिस्टलॉइड दिया, क्रिस्टलॉइड में उसने क्या किया कि जो जांतव झिल्ली को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, जांतव झिल्ली से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड के अंदर जैसे कि आपने NaCl या आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो शर्करा, इनका जैसे ही आपने विलयन बनाया, देखा होगा आपने जलीय विलयन आपने जैसे ही बनाया इनका, तो क्या होगा, पुनः एकदम से समांगी मिश्रण होगा, तो वो इस जांतव झिल्ली से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या दे दिया, क्रिस्टलॉइड नाम दे दिया। अब क्या हुआ, आगे स्टडी हुई, आगे स्टडी हुई तो फिर क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही सब्सटेंस लिया, उन्होंने क्या किया, एक NaCl को उठाया, ठीक है, NaCl को उठाया, फिर इसका विलयन बनाया, एक इन्होंने बनाया जलीय विलयन और एक इन्होंने इसके अंदर किसके अंदर डाल दिया, बेंजीन के अंदर, तो ये तो जलीय विलयन हो गया और ये क्या बेंजोलिक विलयन हो गया। अब इन्होंने क्या देखा कि जो NaCl का जलीय विलयन है ना, वो तो किसके भांति व्यवहार कर रहा है, क्रिस्टलॉइड की तरह, और NaCl का अगर हमने बेंजीन विलयन बनाया तो वो क्लोराइड की तरह, यानी कि जैसे ही NaCl का जलीय विलयन बनाओगे तो वो तो उससे विसरित हो जाएगा जांतव झिल्ली से, लेकिन आप इसी NaCl का अगर आपने बेंजीन में विलयन बना लिया, यानी NaCl को बेंजीन के अंदर घोल दिया, तो वो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होगा। तो क्या हुआ, अब कंफ्यूजन आ गया ना कि भई NaCl तो एक ही है, अब हम इसको किस में रखेंगे, क्रिस्टलॉइड के अंदर रखें या क्लोराइड के अंदर रखें, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उस पे माध्यम पे डिपेंड कर रहा है कि हमने अलग अलग लिया। ऐसे ही अगर आपने क्या किया, साबुन जो होती है उसको इसके अंदर क्या किया, जलीय विलयन डाला एक तो साबुन का, ठीक है, और एक ना आपने साबुन का बनाया एल्कोहल विलयन, तो साबुन का जलीय विलयन तो सभी को पता होगा वो जांतव झिल्ली से पार नहीं होता, ठीक है, तो जांतव झिल्ली से पार नहीं होता तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्लोराइड के अंदर। लेकिन उसी साबुन को आपने अल्कोहल के अंदर डिजोल्व किया तो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्रिस्टलॉइड के अंदर। तो अब उनको क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही पदार्थ अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये क्लासिफिकेशन बाद में कट कर दिया। लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आप लोग ऐसे सोचो मैंने काटे लगा दिया, इट मीन्स पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना है क्योंकि आपके आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो क्या दिया गया था, क्लोराइड और क्रिस्टलॉइड, दो भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो उसके बाद ये वाला क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद बांटा गया कणों के आकार के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो क्या आया, कणों के आकार के आधार पे। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था कि जो अणु है जांतव झिल्ली को पार करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसके अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या था, कणों के आधार के, कणों के आकार के आधार पे बाद में क्रिस्टल जो आपके कोलाइड जो भी आपके पदार्थ हैं उनको बांटा गया, ठीक है। तो कणों के आकार के आधार पे इनको तीन भागों में बांटा गया, कणों के आधार पे विलयन को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। एक आपका बांटा गया वास्तविक विलयन, दूसरी कैटेगरी निलंबन और तीसरी कैटेगरी कोलाइड, ठीक है, वास्तविक निलंबन और कोलाइड, ठीक है। तो वास्तविक विलयन में उन्होंने क्या रखा कि इनके अंदर जो सब्सटेंस होंगे इनमें जो कणों का आकार होगा बहुत ही सूक्ष्म होगा, क्या होगा, सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटा, जिनको हम लोग देख ही नहीं सकते, ना तो उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इनका जो आकार है वो लगभग 10^-7 से भी कम होता है, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, जैसे इनका विलयन बना जाता है, इन कणों का, ये पूरी तरह से विलयन में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कैसा मिश्रण बन जाता है, समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बन जाता है, ये समांगी मिश्रण बन जाता है। आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। दूसरी चीज, इनका आकार 10^-7 से भी क्या होता है, कम, और इनको देखा नहीं जा सकता, किसी भी हालत में इनको देखा नहीं जा सकता। तीसरी चीज क्या, भाई ये क्या होते हैं, समांगी। कैसे मिश्रण होते हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करें कि इनमें जो प्रावस्था होगी, एक ही फेज है ना, एक ही तो फेज है, एक ही सिंबल, पूरा एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इनमें जो प्रावस्था क्या होगी, एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये वाली। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे कि एनएससीएल विलयन जो आपका होता है वो किसके अंदर आता है, पॉजिटिव विलयन के अंदर। उसके अंदर आपने कभी भी नमक के पानी जो आपने डाला उसका विलयन बनाया, और आप देख सकते हो क्या कि कहाँ पे नमक का जो है पार्टिकल है, पूरा क्या होता है, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन को उसने क्या कहा कि इनके जो आकार होते हैं, कणों के आकार बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लगभग 10^-7 से भी कम होते हैं। इनको नेट डाई से तो छोड़ो, सूक्ष्मदर्शी से भी हम लोग एग्जामिन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इनका जो विलयन होता है वो समांगी प्रकार का होता है, और इनमें प्रावस्था एक ही पाई जाती है, एग्जाम्पल एनएसएल विलयन। ठीक है, अगर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बात करें इसके अंदर, यानी कि इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया, कम्प्लीटली एकदम से क्या होगा, सोल्युबल। ठीक है, निलंबन की बात करें तो निलंबन क्या होता है, निलंबन में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। तो इनके कणों का आकार क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, बड़ा। अब इन बड़े बड़े आकार के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो 10^-4 से बड़ी होती है, या अधिक बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इनमें क्या होता है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, तो इन्हें नेक्ड आई से भी, मतलब आंखों द्वारा भी इनको देखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आपको द्वारा भी इनको क्या देख सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल मैं बताऊं, आपने क्या किया, जल लिया, उसमें मिट्टी डाल दो, उसका विलयन बना हुआ। ठीक है, चाहे आप कितने भी टाइम के लिए छोड़ दो, अगर वो मिल जाए तो, नहीं मिलेगा, आप उसको हिला के देखोगे, हिला के देखोगे कितने टाइम के बाद में, वो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, है ना। तो उनमें क्या होगा, हम लोग को जैसे हमने उसको हिलाया, पूरे पार्टिकल्स ऐसे तैरने लग जाते और हमें आसानी से दिख जाते कि भाई हाँ इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये वाला जो विलयन कहलाता है, ये वाला विलयन क्या होता है आपका, निलंबन। इनमें आकार बड़ा होता है, 10^-4 से भी बड़ा होता है, आंखों द्वारा देखा जा सकता है। अच्छा, इसका विलयन कैसा होगा, विस्वांगी विलयन हो, समांगी नहीं होना, कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं है, तो इसका विलयन कैसा होगा, विस्वांगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनके जो कण होते हैं वो पैंदे में जमा होते हैं। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, बीकर के अंदर मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या किया, उसको एक घंटे के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, एक दो घंटे के बाद में मिट्टी क्या होगी, एकदम से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, और पानी पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग अवस्था है ना, ठीक है, दो अलग अलग अवस्था मिली नहीं है, तो इसका मतलब विस्वांगी है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कण है वो पैंदे में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रावस्था थी एक, लेकिन यहाँ पर दो प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देंगी। आपने क्या किया, आप उस विलयन को ऐसे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दोगे तो आपको पानी पानी ऊपर दिखेगा, ऐसे मिट्टी वाला जो पार्ट वहां पे विलयन बना हुआ नीचे दिखेगा, तो यहाँ पे क्या बनती है, दो प्रावस्थाएं हमें दिखाई देती है, समझ आया। ठीक है, ये हो गया हमारे निलंबन की। उसके बाद आते हैं कोलाइड, तीसरा उन्होंने बताया कोलाइड। तो कोलाइड का उन्होंने क्या बताया कि जो कोलाइड वाले पार्टिकल होते हैं ये वास्तविक विलयन से तो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से थोड़े क्या होते हैं, बीच के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों क्या, इंटरमीडिएट।
यानी इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो वास्तविक विलयन से तो क्या होंगे, थोड़े बड़े होंगे, और इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इनमें क्या होगा, इससे तो कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10^-7 से तो क्या होगा, ज्यादा, और 10^-4 से क्या होगा, कम। इनके बीच का रेंज का क्या होगा, इनके पार्टिकल्स की साइज होगी, 10^-7 से ज्यादा और 10^-4 से कम। ठीक है, अब देखो इनको हम लोग देख ही नहीं सकते, इनको आंखों द्वारा तो देख सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, आंखों द्वारा तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनको देखा जा सकता है। किसके माध्यम से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके माध्यम से इनके कणों के आकार को देखा जा सकता है। ठीक है, अब इनमें क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स ना तो पूरी तरह से विलय हो पाते, ठीक है, और ना पूरी तरह से वो क्या होते हैं, पैंदे में भी नहीं जमा होते, इतने भी बड़े नहीं होते, तो यहाँ पे पार्टिकल्स पूरी तरह से विलय नहीं हो पाते, इसलिए ये भी कैसा हो जाता है, विषमांगी। ये भी कैसा हो जाता है, विषमांगी विलयन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें विषमांगी विलयन हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं लगता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में ये क्या होते हैं, इनके जो ऐसे अगर हम बात करें तो इनका जो होता है ऐसे यहीं पे तैरते रहते हैं इनके पार्टिकल्स, ठीक है ना, अगर कुछ पार्टिकल्स होंगे तो वो सतह पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इनपे कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है। विषमांगी विलयन होगा, प्रावस्थाएं, प्रावस्थाएं यहाँ पर भी कितनी होंगी, दो, क्योंकि विषमांगी है तो प्रावस्थाएं कितनी होंगी, ठीक है, तो इसमें मिट्टी वाला सोल्यूशन आ गया, क्लोराइड के अंदर कोई भी आप रेजिन गॉन इनका विलयन बना सकते हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रकार के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए कणों के आधार पर वर्गीकरण। अब अगर हम इनमें एग्जाम क्या हुआ, डिफरेंशिएशन तीनों के अंदर कि इनके जो तीनों का एक टेबल है जिसके अंदर क्या है कि तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है कि कैसे है, तो देखो तीनों के अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो वास्तविक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कणों के आकार की, तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, अगर हम लंबन में जाते हैं तो कणों का आकार बहुत बड़ा, और जो क्लाइड के अंदर जाते हैं तो मध्यम आकार का। फिर अगर साइज की बात करें तो 10^-7 से छोटा, 10^-4 से बड़ा, और इनके बीच का। फिर दृश्यता की बात करें, मतलब देख सकते हैं क्या, इनको नहीं देख सकते, देखा जा सकता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें प्रावस्थाओं की, तो इसमें एक प्रावस्था होती है, इसके अंदर एक प्रावस्था, निलंबन में दो प्रावस्था, क्लाइड में भी दो प्रावस्था। विलयन की बात करें तो विलयन, इसका विलयन कैसा होता है, समांगी मिश्रण, निलंबन का विलयन विषमांगी मिश्रण, और क्लाइड का विलयन भी कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। ऐसे बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे ब्राउनी प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव होता है, तो इनको जो होते हैं क्लाइड विलयन प्रदर्शित करते हैं। क्लाइड विलयन की विशेषता होती है कि वो ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ये सब क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये वाले उसमें प्रदर्शित। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसपे नहीं पड़ता, इसपे नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होता है, निलंबन पे पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका पूरा कंपैरेटिव स्टडी है जो आपकी पूरी एक टेबल के अंदर दी गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लाइड के बारे में पढ़ लिया, तो इसमें तीनों प्रकार का क्या हो गया, अध्ययन हो गया, तो ये कणों के आधार पर इसका क्या हो गया, वर्गीकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लाइड के बारे में, कि क्लाइड को आगे क्या दिया गया है, क्लाइड का किस प्रकार से स्टडी की गई है, और क्लाइड को किस प्रकार से आगे वर्गीकृत किया गया, कौन से इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या इसके गुण है, वो सारे चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।